पानी की अहमियत है। अगर आप तालीम देंगे तो आने वाले वक्त में इंकलाब आएगा। ये बात सच है कि तालीम जीने का तरीका सिखाती है। ये बात हकीकत है कि 100 जाहिलों के मुकाबले एक तालीम याफ्ता इंसान अपनी कौम को बहुत आगे ले जा सकता है। तालीम एक अच्छी सोच देता है, एक बेहतर समाज देता है। इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि हम आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर उससे फरिश्ते भी आगे कहे कि एक तरफ स्वराज है और एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता है तो आप किसे चुनेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को चुनेंगे, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगा तो देश में खुशहाली होगी और देश गति के साथ चलेगा। मौलाना साहब ने कहा था कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे फिर देख मेरे शहर में क्या हो सकता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है, आप डटे रहे, आप जो घर से नहीं निकले आप उनको जाके बताए एनआरसी के बारे में, उनको इस आंदोलन में शामिल करें, अपने आंदोलन को मजबूत करें। साहब ने कहा था कि हाथ फैलाए उसी सर पे सवारी जाए, जहां मजबूर की फरियाद में टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीर, कोई गलत यात्रा इसी की निकाली जाए। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे तो हम कौन सा आ रहे हैं।